राज्य सरकार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। गया के बाराचट्टी प्रखंड के तेतरिया गांव में एक किशोरी बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बच गई। उसके दोस्तों की शिकायत पर पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने परिजनों को समझाकर बाल विवाह करने से रोक दिया। पुलिस ने गांव के लोगों के साथ उनके पिता को भी समझाया और शपथ दिलाई कि हम अपनी बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं करेंगे। छात्रा के दोस्तों को बेहतर काम के लिए थाना प्रभारी चेतन नंदन झा ने हौसला बढ़ाया है और पुरस्कृत भी किया है। पिंकी कुमारी का बाल विवाह हो रहा था तो हम लोग को पता चला तो हम लोग इसके कुछ जवाब मतलब आवाज उठाने के लिए सोचे तो बोले ना नहीं देखो ना ऐसा ऐसा बात है जो पिंकी बोल रही थी तो हम बोले ठीक है हम कुछ सोचते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ना कुछ बैठी निकालेगी तो हम सोचे तो बोले कि चलो ना हम लोग मजाक में हम बोले थाना में चलते हैं थाना में सोल्यूशन निकल जाएगा। प्लस टू प्रोजेक्ट विद्यालय में पढ़ती है और 9th वर्ग की छात्रा है तो इसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है तो इसने एक अपना साहस का परिचय दिया अपने सहेलियों को बताया पुलिस तक यह बात आई पुलिस जांच पड़ताल की तो पुलिस मामले को सत्य पाई। उसके घर से विवाह का निमंत्रण कार्ड भी मिला है तो आपसी सहमति से एक बात बनी है कि उसके माता पिता ने एक लिख करके दिया है अंडरटेकिंग कि हम अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष के बाद ही करेंगे। 9 क्लास में पढ़ती हूँ हमारे साथ बाल विवाह मेरे पिताजी बाल विवाह शादी कर रहे हैं। पापा सोचे कि मतलब 4 बहन है मतलब कि एक एक मतलब निभा देंगे